गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुभाष सैनी अजीतगढ़ से, सेंट एसएन स्कूल से। आज हम हिंदी का चैप्टर लेके आए हैं दादी माँ। देखो बच्चों, दादी माँ की क्वेश्चन आंसर। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। कि लेखक कह रहा है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की कौन कौन सी बातें याद आ जाती है। देखो बच्चों, आंसर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। कि जब लेखक को मालूम हुआ कि आपकी दादी जी, उसकी दादी जी क्या हो गई है, मर गई है, मृत्यु हो गई है, तो उनकी आँखों में के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ का तो होता है याददाश्त, जैसे गदपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के साथ बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और कपड़े पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है, जब दादी माँ ने उनकी क्या की थी, आर्थिक मदद की थी। थैंक यू बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, दादी जी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। देखो बच्चों, दादी जी की मृत्यु मर जाने के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। देखो बच्चों, आंसर अपना, दादी जी की मृत्यु के पश्चात या बाद लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग या सदुपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादी जी के श्राद्ध पर भी दादी जी के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की, फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई और उनकी स्थिति बिगड़ गई। थैंक यू बच्चों। अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। देखो बच्चों, दादी माँ का स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगा और वो भी क्यों। देखो बच्चों, आंसर अपना, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। कौन रहती थी? दादी जी। आवश्यकता के समय दादी जी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की क्या की, आर्थिक मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का ब्याह शादी निर्विघ्न बिना किसी बाधा के अर्थात बिना किसी मुसीबत के संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। थैंक यू बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं। देखो बच्चों, आपने इस कहानी में हिंदी महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। देखो बच्चों, कौन कौन से, क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। देखो बच्चों, आंसर अपना, क्वार, इस महीने में न तो सर्दी होती है न ही गर्मी होती है। क्या होता है बच्चों, इस महीने में न तो अधिक गर्मी है और न ही क्या रहती है, अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है, आम तौर पर मौसम साफ रहता है। देखो बच्चों, क्वार का महीना होता है मार्च, अप्रैल, मई का, ठीक है बच्चों। अगला है आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी क्या बढ़ जाती है,
इसलिए हम आषाढ़ महीना कौन सा होता है, अपनी अंग्रेजी का महीना कौन सा होता है बच्चों, मई जून का। ठीक है बच्चों, अगला अपना माघ। देखो बच्चों, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। देखो बच्चों, इस महीने में अत्यधिक क्या पड़ती है, सर्दी होती है, और भयंकर सर्दी से क्या होता है, सभी का बुरा हाल हो जाता है। देखो बच्चों, माघ का महीना अपने अंग्रेजी में कौन सा होता है, दिसंबर व जनवरी का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना पांच नंबर। देखो बच्चों, आपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। क्या होती है बच्चों, अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। देखो बच्चों, अब मौसम अलग अलग मौसम होता है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो यही हम आज देख रहे हैं। देखो, क्वार के महीने में क्या चीज़ें होती है। देखो बच्चों आंसर अपना, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, जानते हो ना बच्चों, खरबूज, तरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। क्वार के महीने में क्या क्या मिलते हैं, तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची। देखो बच्चों, आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में क्या मिलते हैं बच्चों, आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। थैंक यू बच्चों। अगला है बच्चों, देखो माघ, माघ के महीने में क्या मिलता है, अंगूर, केले, अमरूद व गुड़ मिलता है। देखो बच्चों, माघ के महीने में क्या मिलते हैं, अंगूर, केले, अमरूद व गुड़ मिलता है। थैंक यू बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की बात। देखो बच्चों, भाषा की बात, देखो नीचे दी गई पंक्तियों का ध्यान दीजिए, नीचे दी गई पंक्तियों पर क्या है, ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमनासा हो जाता है, सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पांच और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आंसर, फर्स्ट अपना नीला सा, आकाश नीला सा हो गया है। देखो जो रुई से बनाते हैं, देखो रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। नानी जी के बाल कैसे हो गए थे, रुई से सफ़ेद हो गए थे। अगला है बच्चों मिश्री सी, देखो बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। क्या लगती थी, मिश्री सी लगती थी, किनको, गोपियों, किन की बातें, बाल कृष्ण की, श्री कृष्ण भगवान की बातें। अगला बच्चों चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है, कि उसका चेहरा क्या है, चांद सा गोल है। अगला है बच्चों अपना सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है, उसकी आंखों में क्या है, सागर सी गहराई है। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती है, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है, ऐसे जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। ऐसे हमें क्या बनाने हैं बच्चों, पांच वाक्य बनाने हैं। इस प्रकार के कितने वाक्य बनाने हैं, पांच प्रकार के। देखो बच्चों, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद करते हैं। बच्चे अपने प्रश्न उत्तर होते हैं ना, उन्हें क्या करते हैं, बोल बोल कर याद करते हैं। सेकंड है, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम क्या आ गए, थक गए थे। उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। नेक्स्ट देखो,
जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि आप जोर जोर से चिल्लाकर क्या करना साबित करना चाहते हो। नेक्स्ट अपना, बार बार उसके सवाल बार बार उसके सवाल करने से हम तंग आ गए थे। ठीक है बच्चों, अगला अपना, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। थैंक यू बच्चों। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे वाक्यों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे निक्सार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, झोंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, जो चिवड़ा होता है ना, चिड़वा, चिड़ी और चिड़ा, उनको चुड़त्र, पोहा और इसी तरह झोंका को झोंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाएं। देखो बच्चों, उत्तर अपना, काहे, बंदा, कृपा, कार परोजन, लचमन, आपा, बनक, घना, बटेऊ और आदि। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।